ये स्टोरी है एक बहुत अमीर लड़के की जो अनपढ़ है, और एक लड़की वो गरीब बहुत है मगर इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी है, तो दोनों फेक शादी करके जर्मनी जाते हैं और कैसे वहाँ सेटलमेंट करते हैं, लड़की को प्यार हो जाता है उससे, तो इसके ऊपर स्टोरी है, कॉमेडी है फुल। 10 दिन की शूट इसकी चंडीगढ़ में कर रहे हैं, 1 दिन की शूट जहाँ हो चुकी है बॉम्बे में, और 35 डेज़ का शेड्यूल जर्मनी का है। बहुत अच्छा है, मुझे जब मैंने सुना इस आइडिया के बारे में कि यार जहाँ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो मैंने कहा फिर वहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ किया कि इनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे गाने गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। अरे मोहसिन, ऐसा रुकना हिलना नहीं सर, सर एक मिनट सर, एक थोड़ा आगे, अरे फ्रेम में जी काट दिया गया। जैसे कि हमारी फिल्म में राजा ब्रोडी अब्दुल का भी जो पैसा है, जो भी वो मेहनत से कमाता है, उसको अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज करें और ऐसी जगह पे हम लोग उसको डालें, जैसे मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था, पूरी टीम को यहाँ पे आना चाहिए था, हम लोग यहाँ पे आए, बहुत खुश हैं हम लोग, थैंक यू सो मच। पंजाब से हो, और हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा लॉन्च करें, कुछ हमने हमारे दिमाग में था कि हम लोग किसी नए फ्रेश फेस को लेंगे, तो वी टुक मिस इंडिया फाइनलिस्ट वैष्णवी पटवर्धन एंड द गाय रोहित सोही, एक मूवी कर चुका है बड़ी फ्रेश। या एक्चुअली आज हमारी फिल्म का अनाउंसमेंट है और बहुत ही खुश हूँ मैं, और जैसे हमारी आज पूरी टीम एक साथ आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज पहली बार हम ऑन स्टेज और हम पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि हमारी फिल्म आई है, और इसमें मैं राजा ब्रोडिया बना हुआ हूँ जो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कैरेक्टर है। मतलब राजा मेरे ख्याल से प्रॉपर राजा नहीं है वो, मतलब किसी महाराजा टाइप्स का बेटा नहीं, उसका कैरेक्टर ऐसा दिल से राजा वो जी। हमारे मेरे साथ अपोजिट में है वैष्णवी पटवर्धन और एक अलंकिता भी है, अलंकिता बोरा, और हैरी वर्मा है हमारे साथ अभी जो बॉम्बे में हम शूट कर रहे हैं, और चंडीगढ़ में जाकर हमें योगराज सिंह जी हैं जो मेरे फादर बने हुए हैं, और मदर के लिए देयर सम टीवी। हाय, आई एम अलंकृता बोरा, मिस डीवा यूनिवर्स 2016 फाइनलिस्ट, सो आई एम हियर विद ऑल माय क्रू मेंबर्स फॉर द पीआर ऑफ राजा ब्रोडिया, दैट्स माय फर्स्ट फिल्म एवर, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो वी आर हियर इन बाल भवन विद ऑल द ब्यूटिफुल किड्स अराउंड अस, सो हाँ
हम प्रमोशंस ये तो बहाना है ही, बट हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड के लिए मिल रहा है तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ें है एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स सी यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट एंड या दिस कैरेक्टर ऑफ माइन ट्विंकल विच आई एम प्लेइंग इट, इट्स रियली वेरी बबली जॉली एंड वेरी एक्साइटेड. शी इज़ वेरी फर्स्ट फॉरवर्ड्स एंड ऑल. शी इज़ टू हेल्प प्रीटी द लीड कैरेक्टर विच शी इज़ प्लेइंग. सो आई एम द सेकेंड लीड अप देयर. सो इट्स रियली नाइस. लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट एंड द प्रमोशन शुड बी वेरी नाइस ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. पिक्चर में मेरी बहुत एक सिंपल लड़की का रोल है, प्रीति है उसका नाम, और इससे मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ. बहुत सिमिलर है जो मेरा एक्चुअल कैरेक्टर है वैसी ही है ये लड़की, और पंजाबी है तो आई कांट वेट. और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सपोर्टिंग कास्ट भी आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगी स्क्रीन पे, जो हमारे माँ बाप या बाकी लोगों का किरदार निभा रहे हैं. कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस फिल्म से, क्योंकि स्टोरी हमारी इतनी बढ़िया है, कास्ट बढ़िया है, डायरेक्टर, राइटर, DOP, सारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, दिल लगा के काम कर रही है, तो फिल्म को तो हिट होना ही है. थैंक यू.